जॉब के, के लिए यू डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सपीरियंस इवन फ्रेशर कैन एम्प्लॉय तो आप बिल्कुल भी इसकी टेंशन मत लीजिए छोटा बनाऊंगा फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी एज है दैट हैज टू बी लेस देन years so सो might be 18 years 19 years that's okay there is no minimum cap on the age but the maximum age jo aapki ho sakti hai that is 30 years

मतलब जनवरी 2022 में नोटिफिकेशन आई है दिसंबर एक महीने पहले 31 को उन्होंने कट ऑफ डेट दी है कि इस डेट पे वी विल कैलकुलेट योर एज एंड योर एज शुड बी लेस देन 30 इयर्स देयर इज अ रिलैक्सेशन ऑफ फाइव इयर्स टू एस सी एंड थ्री इयर्स टू ओबीसी एंड देयर इज अ टेन ईयर रिलेक्सेशन टू पीपल हु आर फ्रॉम पीडब्ल्यू कैटेगरी रिलेक्सेश बट फॉर जर्नल कैटेगरी इन दी जर्नल स्ट्रीम यू कैन अप्लाईनलीफ ये थर्टी मोस्ट कॉम्प्लेक्स एरिया इज द क्वालिफिकेशन ना क्वालिफिकेशन वाइज एलिजिबिलिटी इज वेरी क्लियर बट वॉट मेक्स इट कंफ्यूजिंग इज दैट सेव डन मास्टर्स इन एनी डिसिप्लिन मास्टर्स मतलब पोस्ट ग्रैड तो अगर आपने हिस्ट्री में पॉलिटी में आर्ट्स में किसी में भी आपने मास्टर्स डिग्री की है एग्रीकल्चर में आर्किटेक्चर में यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर सेबी ग्रेडेड जर्नल स्ट्रीम ठीक है बट प्रॉब्लम कहां आती है आइदर इन लॉ और ऑन इंजीनियरिंग अगर आप बी कॉम है तब भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे बिकॉज यू आर नॉट हैविंग अ बैचलर्स डिग्री इन लॉ और इंजीनियरिंग तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है सही नहीं है बैचलर्स में यू आर ओनली अलाउइंग इंजीनियरिंग और लॉ बट मास्टर्स में यू आर सेइंग कि कोई भी आ जाओ यार कोई एग्रीकल्चर वाला आर्किटेक्चर वाला इफ यू कैन क्रैक इट यू कम एंड क्रैक इट एंड वी विल टेक यू बट देन व्हाई नॉट द सेम लॉजिक इन बैचलर्स डिग्री आई मीन बी कॉम्स शुड बी द दबन हु अलाउड एटलीस्ट लीस्ट वाई ओनली लॉयर्स एंड इंजीनियर्स आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक बट दिस इज वॉट वी हैव टू बी अयर नाव और उसके बाद अगर किसी ने सी ए सी एफ ए सी एस सी डब्ल्यू ए किया है दे आर ऑल्सो एलिजिबल इन अदर थिंग इफ यू डन अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा तो यहां पर मास्टर्स है बट अगर आपने मास्टर्स नहीं किया है पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने सिर्फ डिप्लोमा किया है फॉर एग्जाम्पल जो एम बी ए होती है इंडियन कॉलेजेस में दैट्स नॉट अ डिग्री दैट्स अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट सो दोज पीपल वुल ऑल्सो बी कंसिडर इक्वल एन टू हैविंग अ मास्टर्स डिग्री तो अगर आपने एम किया है उसको वो डिप्लोमा मानते हैं बट दैट वुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ मास्टर्स डिग्री सो आपने एम किसी भी स्ट्रीम में किया हो बिकॉज मास्टर किसी भी स्ट्रीम में हो तो आप एलिजिबल हैं ठीक है सो दिस इज अबाउट द एलिजिबिलिटी बीकॉम्स जो है uh, उनको आई रियली सॉरी आई एम नॉट श्योर इज टेकिंग सच अ स्टेप और ये 2022 के अकॉर्डिंग है मे बी दे हैव अ लिटिल चेंज इन द लॉजिक विद लिटिल चेंज इन द हार्ट और 2023 की या 24 की जो भी नोटिफिकेशन आएगी द वेरी क्लियर कि नहीं बीकॉम को एटलीस्ट अलाउ करना चाहिए सो दिस इज अबाउट क्वालिफिकेशन एंड एज आई होप यू आर क्लियर देन देन ओनली यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग आई आई मीन सीन केसेस लोग प्रिपेयर कर दे बाद में बोलते सर मैं तो एलिजिबल ही नहीं था आई मीन हाउ कैन दैट हैपन राइट एलिजिबिलिटी इज नॉट दैट कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सुड बी सीरियस एनअ टू चेक दी इलिजिबिलिटी एन देन स्टार्ट प्रिपेरिंग मे बी यू विल बिकम एलिजिबल नेक्स्ट ईयर बट आप वो करते रहिए कुछ कॉमन डाउट्स आते हैं एलिजिबिलिटी में सर आई एम इन फाइनल ईयर कैन आई अप्लाई द आंसर इज नो ठीक है तो आपके रिजल्ट आ जाने चाहिए ठीक है या जो भी सेबी नोटिफिकेशन में बोलेगा वो होना चाहिए क्या डिस्टेंस एजुकेशन वैलिड है बिल्कुल है इवन इफ यू हैव डन योर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम डिस्टेंस एजुकेशन यू आर स्टिल कंसिडर्ड अ वैलिड एप्लीकेंट तो ऐसा कुछ भी नहीं है डिस्टेंस एजुकेशन वैलिड है फाइनल ईयर वाले नहीं अप्लाई कर सकते हैं ठीक है योर मतलब सेबी ने बोला है कि ये कट ऑफ डेट है इस कट ऑफ डेट तक आपको एग्जाम देने हैं रिजल्ट आना है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है बट नोटिफिकेशन जैन में आ रहा है आपका एग्जाम जून में है रिजल्ट जुलाई में आएगा देन यू आर नॉट एलिजिबल ठीक है तो ये मोटी मोटी चीज है जो आपको समझनी है ठीक है मार्क्स का यहाँ कोई चक्कर नहीं है ठीक है तो एजुकेशन वाइज जस्ट योर क्वालिफिकेशन शुड बी देयर और ये हमारी सेबी ग्रेड ए की एक गाइड है इन केस यू आर स्टार्टिंग न्यू टू कैन गिव यू आई मीन इंफॉर्मेशन वर्थ बिलियंस नॉट ओनली अबाउट सेबी एज एन ऑर्गेनाइजेशन बट सेबी ग्रेड एग्जाम प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे आपको डिटेल में बुक लिस्ट एंड रिसोर्सेज मिल जाएगा डिटेल्ड सिलेबस मिल जाएगा जो कि नोटिफिकेशन में भी नहीं है ठीक है सो दिस इज ऑल हेयर गाइज आई होप यू गेट सम क्लैरिटी इन केस यू आर स्टार्टिंग न्यू एंड यू नो डोंट नो अबाउट एलिजिबिलिटी सो टेक योर लीव ए नाइस डे ब बाय विश यू लक तैयारी करनी है तो शुरू कर दो सेबी की बाद में नहीं होगी सेल्फ प्रिपरेशन ही कर लो भाई अभी लेकिन अगर अभी नहीं करोगे तो बाद में कोर्स लेकर भी नहीं होगी ठीक है बाय बाय हैव अ नाइस डे